आओ लेट डिस्कस टाइप्स ऑफ स्टोन। सबसे पहला स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, दूसरा स्टोन कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, तीसरा यूरिक एसिड स्टोन, चौथा प्यूरीन स्टोन, जैंथीन स्टोन। वेरी नाइस, इसी को बोलते हैं स्टूबिट स्टोन और ट्रिपल मार्कर स्टोन। नेक्स्ट एक और स्टोन सिस्टीन स्टोन। कौन सा स्टोन? सिस्टीन स्टोन। आ रहा या नहीं आ रहा है? इसमें मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है? कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। अब क्वेश्चन समझना। देखो भाई, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करो, क्योंकि हमने तुम्हें ध्यान होगा स्टोन के क्वेश्चन किए भी थे, जब भी आप स्टोन के क्वेश्चन करो तो एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि ये किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है या एल्केलाइन। कभी भी ध्यान रखना, हर स्टोन का अपना एक नेचर है। जैसे यूरिक एसिड है, पीछे क्या लग रहा है? एसिड, तो उसका नेचर क्या हो गया? एसिडिक। अब दूसरा कंसेप्ट ये देखना है कि अगर एसिडिक स्टोन है तो उसको कौन सी डाइट दोगे? एल्केलाइन, और एल्केलाइन है तो एसिडिक। गांठ बांध ली क्या? मतलब कोई सा भी, मैं आपको लास्ट में डाइट बता दूंगा कौन कौन सी एसिडिक है और कौन कौन सी एल्केलाइन, ऑफलाइन बताऊंगा, है ना। तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि भाई अगर ये स्टोन है हमको क्या क्या डाइट देनी है। क्लियर है क्या? आओ अब हम वन बाय वन स्टोन पढ़ते हैं। पहला स्टोन है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। पहला, ये एल्केलाइन इन नेचर है। किस नेचर का है? एल्केलाइन। एल्केलाइन नेचर का है तो डाइट कौन सी दोगी? कौन सी डाइट दोगे? एसिड, हाँ या ना। दूसरा मोस्ट कॉमन टाइप है, क्या है? किसमें मिलता है ऑक्सलेट? ग्रीन लीफी वेजिटेबल। किसमें मिलता है? ग्रीन लीफी, मतलब जो लोग वेजिटेरियन है उनको क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्सलेट। तो उसको कौन सी डाइट देंगे? नॉन वेजिटेरियन। अच्छा, पहला तो तुमको समझ में आ गया कि सबसे पहले ऐसी चीजें बंद करो जिसमें क्या है? ऑक्सलेट, जिसमें क्या है? एल्केलाइन। मैं डाइट बताता हूं नाउ। ये सभी क्वेश्चन है, ये तीनों तीनों एग्जाम के क्वेश्चन है। पहला, कौन सा नेचर है? एल्केलाइन। क्या दोगे? क्या दोगे? एसिडिक। मोस्ट कॉमन है और किससे मिलता है? वेजिटेरियन। नाउ अगर स्टोन को आप देखोगे, इट्स बिकम द मलबेरी टाइप। किस टाइप का होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टाइप, कौन सी शेप का होता है? मलबेरी शेप। कौन सा शेप है? मलबेरी शेप। समझना, मलबेरी शेप में तुम देखोगे एक तरीके से ये राउंड है, और दूसरी चीज देखोगे इसमें क्या निकले हुए हैं? स्पाइक्स। क्या निकले हुए हैं? स्पाइक्स। अब भावनाओं को समझते रहना। अगर स्पाइक्स निकले हुए हैं, मान लो स्टोन यहां पे है, हाँ ना, जब ये यहां से खिसका तो जो वॉल है उसको रगड़ खाते हुए निकलेगा। जब रगड़ खाते हुए निकलेगा तो जो स्पाइक है वो उसको डैमेज करेंगे, और जब डैमेज करेंगे तो यहां से क्या होगा? ब्लीडिंग। और वो ब्लीडिंग किसके साथ निकलेगी? क्या बोलते हैं? हीमेचूरिया। तो इसका मोस्ट कॉमन साइन हीमेचूरिया। मोस्ट कॉमन साइन क्या है? हीमेचूरिया। आ रहा है नहीं आ रहा है? ये समझते रहना, मोस्ट कॉमन साइन क्या है। इसी वजह से, क्योंकि इसकी शेप क्या है? मलबेरी, तो इसका दूसरा नाम क्या है? मलबेरी स्टोन। क्या नाम है? कितने कंपोनेंट से मिलकर बना है? कैल्शियम प्लस ऑक्सलेट, हा या ना। ऐसे पेशेंट्स का मैनेजमेंट हम बहुत बड़े से पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे में क्या हाइड्रेशन बढ़ाओगे या कम करोगे? हाइड्रेशन क्या करोगे? बढ़ाओगे। क्यों बढ़ाओगे हाइड्रेशन? ज्यादा ज्यादा निकले। दूसरा, प्लीज गिव मी अटेंशन, एनक्लेक्स वाला एग्जाम में पूछा जाता है, इसके लिए हम देते हैं विटामिन सी। क्या देते हैं? क्यों देते हैं विटामिन सी? समझना, विटामिन सी ऑक्सलेट को मेटाबोलाइज कर देता है, तोड़ देता है। जब ऑक्सलेट टूट गया तो ऑक्सलेट का सुपर सैचुरेशन भी, और ऑक्सलेट स्टोन बनेगा भी नहीं। क्लियर है क्या? क्या क्या डाइट दोगे? विटामिन सी,
और हाइड्रेशन, क्या एसिडिक डाइट दोगे या एल्केलाइन? एसिडिक क्या दोगे या ऐसी वो चीजें जिसमें ऑक्सलेट है उसको बंद करोगे या चालू करोगे बंद? जैसे स्पिनच, पोटेटो, बीट्स, नट्स, इन सब में क्या है? ऑक्सलेट। इन सब में क्या है? ऑक्सलेट। तो ये चीजें क्या करोगे, बंद करोगे या चालू? चालू, क्या बंद? बंद। हाँ या ना? चलो, नाउ आई एम कमिंग टू द सेकंड स्टोन, दैट इज द कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। क्या महिला में होता है, पुरुषों में? पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, किसकी कॉम्बिनेशन से? कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कौन सा नेचर होता है तो? एल्केलाइन। कौन सा नेचर है? कौन सी डाइट दोगे? एसिडिक। कौन सी डाइट दोगे? एसिडिक। हाँ या ना? चलिए, थर्ड यूरिक एसिड स्टोन। थर्ड स्टोन कौन सा है, बात को समझना। पहला वेजिटेरियन में होगा या नॉन वेजिटेरियन? क्या एसिडिक नेचर है या एल्केलाइन नेचर है? तो कौन सी डाइट दोगे? एल्केलाइन। ऐसे पेशेंट को बोलेंगे भाई कुछ दिन तक मुर्गा मुर्गा खाना छोड़ दे, हरी सब्जी खाना चालू कर दे। अरे हाँ या ना? ओके, भक्त जनो, इसका एक ड्रग ऑफ चॉइस है, दैट इज द एलोप्यूरिनोल। कौन सा नाम है? एलोप्यूरिनोल। गाउट में भी देते हैं इसी ड्रग को। किसको देते हैं? गाउट। क्यों गाउट में? क्योंकि गाउट में किसका लेवल बढ़ता है? यूरिक। और ये ड्रग यूरिक एसिड को तोड़ देता है, तो गाउट में भी यूज करते हैं और यूरिक एसिड स्टोन में भी। अरे हाँ या ना? यस। नेक्स्ट नेक्स्ट, क्या पेशेंट को बोलेंगे कि मीट खाना है, मछली खाना है? क्यों? अच्छा, ऐसे पेशेंट को बोलेंगे वेजिटेबल्स खाना है? क्या जूस दे सकते हो ऐसे पेशेंट को? दे सकते हैं, देना चाहिए। ऐसे पेशेंट को क्या देना चाहिए? जूस। कौन सा? कौन सा जो मिल जाए, फ्रूट्स का जो मिल जाए। हाँ या ना? चलिए आओ, नेक्स्ट स्टोन, प्लीज गिव मी अटेंशन, प्लीज गिव मी अटेंशन, द नेक्स्ट स्टोन स्ट्रूविट स्टोन। स्ट्रूविट स्टोन दूसरा नाम इसका, ट्रिपल मार्कर स्टोन। इसी को बोलते हैं स्टैगहॉर्न, स्टैगहॉर्न स्टोन। स्टैगहॉर्न एक पत्ती होती है, क्या तुम सर्च कर लोगे अपने फोन में? सर्च कर लो स्टैगहॉर्न क्या है। स्टैगहॉर्न पत्ती एक होती है, देख लो, उसी टाइप का स्टोन होता है। बच्चे कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं? ना। खत्म कर।